हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रीमी और टेस्टी कच्चे सिंघाड़े की खीर, जो बहुत ही हेल्दी है और हमारे कमर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कच्चे सिंघाड़े को ले लेंगे, जिसे मैंने बीच से कट करके इसके छिलके को उतार लिया है और इसे मैंने धुल लिया है। तो अब हम इसे एक साइड में रखेंगे और एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें सिंघाड़े को डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है हमें इसका, इन सारे सिंघाड़ों का। ये देखिए, इस तरह से आप इसे बारीक ही ग्राइंड करें, तभी हमारी कच्चे सिंघाड़े की खीर बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे एक साइड में रखेंगे। तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करेंगे, जिसके लिए मैंने 10-10 पीस काजू और बादाम को ले लिया है। इसे भी मैंने बारीक ही ग्राइंड किया है, इस तरह से। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस खीर को बनाने के लिए हम 1 चम्मच देसी घी को डालेंगे। इस खीर में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। तड़के के लिए 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, इसे हम घी में डाल देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। 1-2 मिनट बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया है, काजू और बादाम को, उसे डाल देंगे। इसे भी हम 1-2 मिनट अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें जल जाएंगी। ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 लीटर दूध को डाल देंगे, 5 चम्मच चीनी को डालेंगे। यहाँ पे मैं खीर को बिल्कुल लाइट मीठा बना रही हूँ। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा ऐड करें। चीनी को डिजॉल्व होने तक हम अच्छे से चलाएंगे, ताकि चीनी नीचे बर्तन में लगे ना, और फ्लेम को हाई रखेंगे और दूध में 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, दूध में जब 1 बॉयल आ जाए तो हम इसमें बारीक ग्राइंड किए हुए सिंघाड़े को डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएँगे। खीर को हम पूरे प्रोसेस में अच्छे से ही चलाएँगे, ताकि ये बर्तन में लगे ना। साथ में हम 1 गिलास पानी को भी डालेंगे। अच्छे से पानी डालेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पके और सिंघाड़े का कच्चापन दूर हो जाए। और जब ये अच्छे से पकेगा तभी इसमें बहुत ही क्रीमी वाला टेक्सचर आएगा। तो इस तरह से हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर। कम से कम हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से, और किनारों से हम इसे अच्छे से छुड़ाते हुए चलाते रहेंगे, ताकि इसमें किसी भी टाइप का गुठली ना बने। और ये देखिए, हमारी खीर ठीक होने लगी है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा ठीक होता है, तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप इस कच्चे सिंघाड़े के खीर को गर्मा गर्म इंजॉय करें। साथ में मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और हाँ, मैंने अपने चैनल पे कई टाइप की खीर को अपलोड किया हुआ है, जिनका टेस्ट एक से बढ़कर एक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप इतनी टेस्टी टेस्टी खीर को मिस कर दें। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।